मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था। उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता। हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती, ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर में आपने काम किया है आदरणीय सभापति जी। टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज़्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती हैं, मिलकर के करती हैं, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदार बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं।